या तो गोली या एक कागज़ ही मुझे यहाँ से हटा सकते हैं, ये कहना था कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का। आज एक लंबा संघर्ष, त्याग, समर्पण और योद्धा इस दुनिया से अलविदा कह गया, जिन्होंने गुज्जर समाज को ये सिखाया कि कैसे अपना हक लिया जाता है। आज उस व्यक्ति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। निश्चित रूप से गुज्जर समाज के लिए ये बहुत बड़ी एक क्षति है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक आवाज़ पर पूरा राजस्थान थम जाता था, दिल्ली तक हिल जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ महेंद्र चौधरी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का गुरुवार को निधन हो गया। बैसला लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बैसला ने जयपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में गुज्जर आरक्षण आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को निधन हो गया। वह एक ऐसी शख्सियत थे कि उनके एक इशारे पर पूरा राजस्थान थम जाता था। लोग हफ्ते रेलवे ट्रैक पर ही बैठे रहते थे। सिपाही, कर्नल, युद्धबंदी के रूप में बैसला का जीवन शानदार रहा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जन्म राजस्थान के करौली जिले के मूंडिया गाँव में हुआ। गुज्जर समुदाय से आने वाले किरोड़ी सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर ही की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ गया। उन्होंने भी सेना में जाने का मन बना लिया। वह सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। बैसला सेना की राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन और 65 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से वतन के लिए जौहर दिखाया। सिपाही से कर्नल तक का सफ़र शानदार रहा। किरोड़ी सिंह बैसला एक पाकिस्तान में युद्धबंदी में भी रहे। उन्हें दो उपनामों से भी उसके साथी जानते थे। सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर का चट्टान और साथी कमांडो इंडियन रैम्बो कहकर बुलाते थे। किरोड़ी सिंह की जाबाजी ही थी कि सेना में मामूली सिपाही के तौर पर भी तरक्की पाते हुए कर्नल की रैंक तक पहुँचे। बैसला के चार संतान हैं, एक बेटा रेवेन्यू सर्विस और दो बेटे सेना में हैं, एक बेटा निजी कंपनी में है। बैसला की पत्नी का निधन पहले ही हो चुका है और वे अपने बेटे के साथ हिंडौन में रहते हैं। रिटायर्ड होने के बाद बैसला ने राजनीति में प्रवेश किया। बीजेपी ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से किरोड़ी सिंह बैसला को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी नमो नारायण मीणा ने 317 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद कर्नल बैसला ने कुछ दिनों बाद ही भाजपा छोड़ दी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान किरोड़ी सिंह बैसला बीजेपी में फिर शामिल हुए। इसी दरमियान रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गुज्जर समुदाय के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। आंदोलन के दौरान कई बार उन्होंने रेल रोकी, पटरियों पर धरना दिया। आंदोलन को लेकर उन पर कई आरोप भी लगे। वह कहते थे कि राजस्थान के ही मीणा समुदाय को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा दिया गया, इससे उन्हें सरकारी नौकरी में खासा प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन गुज्जरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। गुज्जरों को उनका हक मिलना चाहिए। बैसला राजस्थान के गुज्जरों के लिए अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत गुज्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग में कामयाब रहे। पहले राजस्थान के गुज्जर ओबीसी में थे, लेकिन बैसला के आंदोलन के दबाव में सरकार ने उन्हें एमबीसी में शामिल किया। किरोड़ी सिंह कई बार कह चुके हैं कि उनके जीवन को मुगल शासक बाबर और अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन दो लोगों ने बहुत प्रभावित। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जीवन शानदार रहा, चाहे वो सेना में सिपाही के रूप में हो, चाहे कर्नल के रूप में हो, चाहे एक शिक्षक के रूप में हो, चाहे एक योद्धा के रूप में हो, चाहे एक समाज सेवी के रूप में हो। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला हमेशा याद रखे जाएंगे। जब तक गुज्जरों के इतिहास में लिखा जाएगा, तब तक किरोड़ी सिंह बैसला का नाम आएगा।